सो इट्स मी उषा मेहता. कल मेरी बेबी की नेमिंग सेरेमनी है, जिसे हमारी साइड नामकरण कहते हैं और राजस्थान में इसे सूरज पूजा कहते हैं. तो मेरी कुकू की कल नेमिंग सेरेमनी है. मैंने मेहंदी लगाई और बीच मेहंदी लगाते वक्त ही रोना स्टार्ट कर दिया था इस शैतान ने. स्माइल कर रहा है तो फिर मुझे धोने पड़े हाथ, पर जैसा भी है फिर मैंने इसको फीड कराया और फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है कि सुबह तक रच जाएगी. तो मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली है. कुकू के भी कपड़े आ गए हैं, मामा के भी आ गए हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड कल कैसा रहेगा. अभी रिसेंटली हमारी ग्रैंड मदर इन लॉ पास्ड आउट हो गई थी, तो हम लाइक ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, बट नेमिंग सेरेमनी रखना तो इम्पोर्टेंट है ही. तो हम सिर्फ अपने फैमिली फ्रेंड्स और जो एकदम क्लोज लोग हैं, एकदम क्लोज रिलेटिव्स वगैरह हैं, सिर्फ उन्हीं को बुला रहे हैं और छोटा मोटा सा फंक्शन कर रहे हैं. तो मैं उसका अपडेट देती रहूँगी. और बस आज रात सोना है, फिर कल मेरे कुकू का नेमिंग सेरेमनी होगा. स्माइल कर रहा है कुकू. सो कल मिलते हैं. ये कुकू की नानी इसे नहला रही है, फिर नामकरण के तैयार करेंगे. ओके गाइस, तो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ अपने बेबी के नेमिंग सेरेमनी नामकरण के लिए. और ये मेरा पूरा कुमाऊनी लुक है. साड़ी मैंने पिस्ता कलर की चूज़ करी क्योंकि मेरे बेबी के भी जो कपड़े आए वो पिस्ता कलर के थे और मेरे हस्बैंड का कुर्ता भी. ये साड़ी है. अब नीचे चलते हैं, पंडित जी बुला रहे हैं. और ये चूड़ी तो राजस्थानी है, पौंजी खैर पहाड़ी है. तो गाइज उसके बाद पूजा स्टार्ट हुई और मुझे बैठने में नीचे काफ़ी दिक्कत हुई, तो मेरे लिए स्टूल लाई छोटा सा, तो मैं उसके ऊपर बैठी थी. वैसे तो मुझे बेबी को पकड़ के बैठना था नामकरण में, बट पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बिना बेबी के बैठ जाइए, जब उसकी ज़रूरत होगी तब बेबी को ले आना. तो गाइज उसकी ज़रूरत हो गई थी, तो बेबी को जब लाए तो ही वॉज़ लाइक क्राइंग लाइक नथिंग, क्योंकि उसको मैंने कुकू को मॉर्निंग में 9 o'clock पे लाइक फीड कराया था और तब तक 11 या 12 सा ऐसे कुछ बढ़ गए थे, तो उसे फिर से भूख लग गई थी. खैर उसका नेम हमने रखा, तो नेम उसके पी से पड़ी राशि, गाइज कन्या राशि उसकी पड़ी. और पी से काफ़ी नाम होते हैं, बट सबसे बेस्ट नेम मेरे पापा ने रखा उसका, जो कि था प्रत्यक्ष सिंह मेहता. तो यही नाम मुझे सबसे अच्छा लगा जो प्रत्यक्ष के नानू ने रखा था, तो मैंने वही नाम फाइनल करा इसके लिए, प्रत्यक्ष सिंह मेहता करके. तो गाइज मेरी कुकू का नाम प्रत्यक्ष सिंह मेहता रखा है हमने. और वो इतना रो रहा था ना गाइज, मम्मी लोगों ने उसे फार्मूला फीड करने की कोशिश करी पर वो पीता ही नहीं है फार्मूला, उसे ब्रेस्ट मिल्क की आदत है. तो मुझे यही हो रही थी फटाफट से नामकरण बेबी का कंप्लीट हो और ये उसको मैं फीड कर सकूं. बट नामकरण में 1-1.5 घंटा तो लगा ही, तो तब तक मैं बेबी को हिलाते रही और चुप कराते रही, बट वो चुप नहीं हो रहा था, रोने में लगा था. उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन वगैरह करा और फ़ोटो में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 to 10 minutes में सबकी फ़ोटोज़ हो चुकी थी. फिर मैंने फ़ोटोज़ के बाद बेबी को फीड कराया और गाइज ऐसे ही नामकरण हो गया था. फिर हम लोगों ने बाद में खाना खा लिया. तो गाइज यही था, कुकू का नामकरण हो गया है और इसका फाइनल नेम है प्रत्यक्ष सिंह मेहता.